हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और आज मैं आपके लिए यूट्यूब पे एक और वीडियो लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सी शार्प में ये सारे बटन्स के ऊपर कोडिंग की थी। तीन बटन्स की कोडिंग रिमेनिंग थी। इन बटन्स की कोडिंग भी मैं आज करके बताता हूं आपको। चेंज बैकग्राउंड है ना, रन टाइम पे मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो उसका कोड अपन यहाँ पर कर देते हैं। बटन वन का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। बटन वन डॉट बैकग्राउंड बैक कलर, बटन वन डॉट बैक कलर इक्वल टू मैंने कलर असाइन कर दिया, कलर डॉट। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, कलर्स के नाम आ रहे हैं, तो जो भी कलर आपको यहाँ से लेना हो ले सकते हो। ठीक है, बटन वन डॉट बैक कलर इक्वल टू बैक कलर प्रॉपर्टी में हमने ये कलर असाइन कर दिया। इसी तरह मुझे फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, तो चेंज फोरग्राउंड, बटन वन का मुझे फोरग्राउंड कलर चेंज करना है। बटन वन डॉट फोर कलर इक्वल टू कलर डॉट। ठीक है, जो भी आपको यहाँ से कलर लेना हो आप ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह तीसरे बटन पे मुझे, मैं चाहता हूँ इमेज शो करना है मुझे। ठीक है, बटन पे इमेज अप्लाई करना है, तो इमेज अप्लाई करने के लिए बटन की इमेज प्रॉपर्टी होती है बटन वन डॉट इमेज इक्वल टू इमेज डॉट। ठीक है, अब इमेज की हमें लोकेशन बतानी पड़ेगी कि आपकी इमेज किस लोकेशन पे रखी हुई है, तो मैंने दे दिया इमेज डॉट फ्रॉम फाइल। ठीक है, किस ड्राइव में किस फोल्डर में है आपकी इमेज, वो लोकेशन आपको देनी पड़ेगी। तो पहले तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी इमेज असाइन करनी है, तो सी ड्राइव में। ठीक है, सपोज़ ये इमेज मेरे पास एक रखी हुई है, इस इमेज को मैं दिखाता हूँ। इस इमेज का मैं यहाँ से नाम कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इस इमेज का मैंने नाम कॉपी कर लिया और ये इमेज मेरी सी ड्राइव के अंदर है, तो मैं लिखा सी कॉलन डबल स्लेश और इमेज का नाम। ठीक है, कोई भी आप इमेज जिस भी लोकेशन पे आपकी रखी हो, मेरी इमेज सी ड्राइव में है। ठीक है, सी स्लेश के बाद एक और, जब भी आप लोकेशन देते हो तो आपको स्लेश के बाद फिर से एक स्लेश लगाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज वो स्केप सीक्वेंस की तरह कंपाइलर समझेगा कि आप स्केप सीक्वेंस यूज़ कर रहे हो, तो स्केप सीक्वेंस को रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक और स्केप सीक्वेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, लोकेशन दे दी आपने इमेज की और इमेज का नाम बता दिया। ठीक है, अपन देखते हैं ये इमेज आ पाती है कि नहीं आ पाती है। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। चेंज बैकग्राउंड से बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, चेंज फोरग्राउंड से फोरग्राउंड कलर चेंज हो गया, शो इमेज से इमेज आ गई। ठीक है, इमेज का साइज बहुत छोटा आ रहा है, बटन को या तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कोडिंग के थ्रू ही अपन बड़ा करते हैं बटन को भी। बटन वन डॉट साइज इक्वल टू न्यू साइज, बटन वन डॉट साइज इक्वल टू न्यू साइज, और मैंने यहाँ पे बटन का साइज दे दिया 300,300। ठीक है, मैंने विड्थ और हाइट सेट कर दिया यहाँ पे, ट्राई करके देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ गया, तो ये आप देख रहे हो बैकग्राउंड में आपको इमेज दिखाई दे रही है। ओके, या फिर मैं इसकी लोकेशन चेंज कर देता हूँ तो बट इमेज आपको और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, ओके, ठीक है, शो इमेज पे क्लिक किया तो आपको ये बटन पे इमेज दिखाई दे रही है।
आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग एंड इन्जॉय प्रोग्रामिंग विथ पंकज पंजवानी।